मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट करेंगे पता चलेगा। वेलकम बैक टू आर चैनल गाइज। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो आज एक नया दिन, नया दिन और उसी नए दिन में ऐसे ट्रक की आवाज के साथ हम अपने ब्लॉग की ओपनिंग करते हुए हाँ, और एक नई जर्नी पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी आपने तो रिसेंटली जो हमारी सीरीज देखी थी, जहाँ पे मेरे भाई की शादी थी, और वो सब खत्म होने के बाद हम लोग आके वापस देहरादून में एक हफ्ता रुके, और वापस हमने अपने बॉडी को दिया, जिम गए, एंड नाउ अगेन वी आर ऑन द, I guess 1 week में से तो आधा हफ्ता हमारा आराम करने में ही निकल गया, क्योंकि वो जो नाचा था हमने वहाँ पे, हाँ, रोड के इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग इतना देर रात तक नाचे और फिर इतना भाग दौड़ उतना ड्राइविंग हुआ ना, उसने बॉडी को अंदर से मतलब खींच लिया था, पूरा चूस लिया था, तो मतलब सर भारी था कुछ दिनों तक, एक दो दिनों तक तो हमने थोड़ा आराम ही किया ज़्यादा टाइम। बट उसी बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग की है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे क्या आपको और भी अच्छे प्लेसेस देख सके। हाँ। और आई थिंक हमारा समय अराउंड 160s में वीडियोस चल रहा है अभी। नहीं, हम लोग ने आई गेस 185 से ऊपर वीडियोस डाल चुके हैं अभी तक, बट जो व्लॉगिंग जो हमने कंटिन्यूसली स्टार्ट की थी उसमें 140-150 वीडियोस हुए। उससे पहले हम लोग जो हफ्तों में या फिर महीनों में एक दो वीडियो डालते थे वो है अपने चैनल पे, और अगर आप लोग नए जुड़े हो तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना। हाँ। हम डेली वीडियोस डालते हैं और हमारे वीडियोस 7 PM आते हैं दही में। हाँ, तो जो भी नए हैं उन लोग को बता दो, हम लोग गोवा एक्सप्लोर कर चुके हैं, महाराष्ट्र के कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर चुके हैं, एंड राजस्थान गए थे, बट वहाँ का एक उदयपुर मिस हो गया हमारा, बट जयपुर वगैरह में थोड़े फोर्ट्स वगैरह हम लोग दिखा चुके हैं, उत्तरांचल में कुछ पार्ट है, उत्तराखंड बोल लो, यहाँ के कुछ हिस्से हम लोग दिखा चुके हैं। और अभी शादी वाली सीरीज 15 सीरीज के पहले हम चकराता गए थे, मसूरी गए थे, जहाँ का जॉर्ज एवरेस्ट पीक बहुत फेमस है, वहाँ के व्यूज़ बहुत अमेजिंग थे। अगर आप लोग को वो व्यूज़ को देखना और कभी मन करेगा आने का, या फिर मन बनाना चाहते हो मसूरी आने का, कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि कैसे व्यूज रहना चाहते हो, आप एक एग्जांपल ले सकते हो उस वीडियो से। बट क्योंकि वही देखते हुए भी कुछ फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे गए थे, दे ट्रैक करके वो आए, उनको बहुत मजा आया वहाँ पे, सो दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग यू गाइस कि आप मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पीक जरूर एक्सप्लोर करो। तो अभी बस यहाँ पे हम लोग नए शुरुआत, नई जर्नी में जैसे हमने बोला हम लोग उसके लिए निकल रहे हैं, और ये बाकी ट्रिप से थोड़ी सी लंबी ट्रिप है। बहुत ज्यादा लंबी ट्रिप है आई थिंक सो, हमने प्लान किया कि हम लोग को जितना हो सके उतनी प्लेसेस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही देखनी है या फिर इतने सारे देखेंगे या फिर कुछ ही देखेंगे, जितने भी हमारे पास जितना टाइम होगा, जितना देर तक हम लोग कंटिन्यूस ट्रैवल कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितने प्लेसेस हम लोग कवर कर पाएंगे, एंड अपने को भी ज़्यादा ना थकाते हुए देखेंगे कि कहीं पे रेस्ट लेना है किसी दिन तो रेस्ट ले सकते हैं एक्स्ट्रा दिन रुक के, और फिर वहीं के आसपास का लोकल जगह देख के, ताकि हमको भी रेस्ट मिले और आपको भी कुछ पता चले कि उस लोकल एरिया में कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको वहाँ पे लोग मिलते हैं, या फिर कैसे खाने का जो उधर का जायका होता है कैसा होता है, तो वो सब हम लोग ट्राई करेंगे इस बार इस ट्रिप में, एंड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है एंड बहुत ही लेंदी होने वाली है। तो वीडियोस हम लोग कम से कम रखेंगे, वीडियोस लेंदी नहीं, हमारी जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी है, एंड पर ये है कि ये सारी जर्नी के ड्यूरेशन में आपको सारे अपडेट्स भी मिलते जाएंगे, जैसे कौन सा रूट हम ले रहे हैं, क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक फूड स्टेज एक्सेट्रा, तो हम वो सब शेयर करते जाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेटिव भी होगा। हाँ, और अगर आप लोग को हमारा मतलब जैसे ये जो वीडियोस हैं मोस्टली आई गेस 2-3 दिन या 4 दिन के गैप के बाद ही आएंगे, बट अगर आप करंट सिचुएशन और करंट हमारा लोकेशन या फिर लेट्स से जो करेंटली हम लोग जो व्यूज़ देख रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ बने रहना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, तो हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, एंड आवर आईडी इज digi_nomad_us, एंड मेरा पर्सनल आईडी है being_kanishka, which will put here right now, so that you guys can follow Instagram as well. तो चलो अभी भूख लगी है हमको, हम लोग निकल चुके हैं एक्चुअली अपनी जर्नी पे, देहरादून से निकले हैं। हाँ,
जस्ट नहीं, एक डेढ़ घंटा हो चुका है, बट हाँ कि ये है कि खाना खा रही हूँ से जस्ट। हाँ, तो शहर वाले एरिया से निकल रहे थे तो ट्रैफिक वगैरह से तंग गलियों से निकलते हुए आ रहे थे, तो उस टाइम पे धूप भी बहुत तेज है, तो हमने सोचा कि एक जगह जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं, सिर्फ चाय के अलावा कुछ हुआ नहीं है। और पीछे तो, मेरे को मेरा फिर से एक नया दोस्त दिखा है जिसको भी मैं कुछ खिलाना चाहूँ। हाँ, तो हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं और जहाँ पे खाएंगे फर्स्ट ब्रेक लेंगे हम लोग, वहीं पे आप लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और इस जर्नी की आगाज़ करेंगे। तो अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग रास्ते पे वापस जाते हैं आप लोगों को बताते जाएंगे कि हम लोग कौन सा रास्ता ले रहे हैं। रुके हैं महाराणा फैमिली रेस्टोरेंट में, तो बताते रहेंगे कि किस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आगे चल के एंड कौन सा रास्ता ले रखा है, रास्ता कैसा है। स्मेल से तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट करेंगे पता चलेगा, बट आई थिंक यहाँ पे खाना आपको कभी निराश नहीं करेगा, चाहे वो भले उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, बट अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा तो लग रहा है। तो गाइस जैसे बोला था, हम लोग रास्ते पे जाते हुए आप लोग को अपडेट देते हुए जाएंगे। सो देहरादून से अभी हम लोग जा रहे हैं शिमला की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो हिमाचल है, और उसमें जितनी जगह हम लोग देख सकेंगे उतनी देखेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया। बट आज का पॉइंट है, आज हमें डेस्टिनेशन पहुँचना है शिमला, और आई थिंक हमको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, 5:30-6 बज जाएंगे, तो जाके आराम करेंगे। वैसे ट्रैवल का तो ब्लॉग कर ही रहे तो वो भी आप लोग देख ही लोगे, बट अभी तक आपको मैं अगर बताऊं, देहरादून से अगर आप पांवटा साहिब की तरफ आ रहे हो जहाँ से हिमाचल का बॉर्डर स्टार्ट होता है, नदी नीचे से बह रही है एंड इस साइड उत्तराखंड है, उस साइड हिमाचल है, और वहीं पे पांवटा साहिब का लोकेशन है पूरा वहाँ पे। तो अभी देहरादून टू पांवटा साहिब इज समवेयर अराउंड 50-55 किलोमीटर्स, एंड जो पहले का रास्ता आता है थोड़ा सिंगल लेन से होते हुए आता, शहर से होते हुए आता, तो आप ट्रैफिक वगैरह से जूझोगे, बट 15 किलोमीटर पहले से आपको अच्छी रोड दिखने लग जाएगी पांवटा साहिब की तरफ, जब आप बढ़ रहे हो आपको खुली रोड आएगी और जंगलों के बीच से लेते हुए आपको ये रास्ता आएगा, एंड ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, अच्छा है, स्मूथली हम लोग यहाँ पे जा पा रहे हैं। एंड अभी बस यहाँ से निकलते हैं, पांवटा साहिब पहुँचने में अभी 3-4 किलोमीटर बाकी है हमारा, तो बस देखते हैं जाते हुए, आप लोग फिर से मिलते हैं।